हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आप लोग को वाइवा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूं कि आप लोग का वाइवा का जो एग्जाम होता है वो किस किस तरीके से होता है, आपको कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो बेटा, सबसे पहली चीज कि वाइवा के एग्जाम में आपको, मैंने पहले भी बताया है कि एडमिट कार्ड और आपको अपने पिछले साल की मार्कशीट यानी जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है वो लेकर के जानी है एग्जाम में। आपका जहां पे भी एग्जाम सेंटर पड़ा है वहां पे मॉर्निंग में मोस्टली आपको 9 बजे के आसपास शायद बुलाया जाएगा। जो लिस्ट लगेगी उसमें आपको टाइमिंग वगैरह भी दिए होंगे, तो 9 बजे के आसपास अगर बुलाया जा रहा है तो आप कोशिश करिएगा आधा पौन घंटा पहले ही पहुंचिएगा एग्जाम सेंटर पे, और दूर पड़ा है तो थोड़ा सा और जल्दी निकलने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आपको लेकर के जाना है अपना एडमिट कार्ड प्लस आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लेके जानी है। इन सारी चीजों की आप फोटोकॉपी भी करा के लेके जाइएगा। आधार कार्ड भी जरूर लेकर के जाइएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है एग्जामिनर का कि भाई हो सकता है वो आपसे आधार कार्ड भी मांग ले। तो सारी चीजों की फोटोकॉपी और ओरिजिनल सब चीज लेके जाइएगा। अपने साथ पानी की बोतल जरूर लेकर के जाइएगा, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है तो उसमें आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, और अपना पानी होगा तो किसी से मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्लस लंच भी लेकर के जाइएगा, क्योंकि वहां कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते हैं। जो मेरे पिछले साल के स्टूडेंट हैं तो उनका मॉर्निंग में 9 बजे बुलाया गया था, उनको गाजियाबाद के कॉलेज में उनका सेंटर पड़ा था, 9 बजे से लेकर के उनको 2 बजे जो है वो छोड़ा गया था। तो मान के चलिए 2 भी बज सकते हैं, 3 भी बज सकते हैं, 4 भी बज सकते हैं। तो आप पहले ही अपनी प्रिपरेशन से जाइएगा, पानी लंच सारी चीजें लेके जाइएगा अपने साथ, और अपने घर वालों को भी इन्फॉर्म करके जाइएगा कि हो सकता है थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, एग्जामिनर 2 से 3 होते हैं, तो बच्चों का वाइवा लेने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब बात आती है कि मैम, एग्जाम सेंटर पे जब हम जाएंगे तो वाइवा के लिए जो है हमें किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तो बेटा, एग्जामिनर जो है वो आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ज्यादातर वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। कई जैसे कॉमन चीजें होती है, जैसे जाति हो गया, धर्म हो गया, समाजशास्त्र क्या है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं, बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आप ये सारी चीजों के बारे में पढ़ के जाइएगा, थोड़ा सा समाजशास्त्र के बारे में पढ़ के जाइएगा, उसकी डेफिनेशन वगैरह याद कर लीजिएगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। फर्स्ट ईयर में मेरे रिसर्च जो पेपर है उसमें काफी अच्छे मार्क्स आए थे, तो एग्जामिनर ने मेरे मार्क्स देखे थे और उन्होंने मुझसे रिसर्च के बारे में पूछा था, व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च की डेफिनेशन, ठीक है। तो जब भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको कभी भी चुप नहीं रहना है, जो आपको समझ में आए एजुकेशन से रिलेटेड, जो भी आपको डेफिनेशंस वगैरह समझ में आए, अगर आपको थोड़ा सा अपने आप से भी बना करके बोलना पड़े तो बोलिएगा, चुप मत रहिएगा, क्योंकि आप चुप रहेंगे तो फिर एग्जामिनर अच्छे नंबर नहीं देता है, ठीक है। और 2 से 3 एग्जामिनर होते हैं, कभी कभी एक भी होता है। पिछले साल का एक बच्चा था, उसने मुझे बताया कि मैम, हमारी क्लास में खाली एक ही टीचर थी और उन्होंने मुझसे 2-3 क्वेश्चन पुटअप किए, एक समाजशास्त्र से रिलेटेड था और एक जाति से रिलेटेड था, तो 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे और फिर मुझे भेज दिया था, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वाइवा कोई हवा नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके जाइए, अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए, समाजशास्त्र से रिलेटेड कुछ पढ़ के जाइए, क्योंकि अगर आपने कुछ पढ़ रखा होता है ना तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनर कभी कभी आपने मूड से कहता है कि आपको जो समझ में आता है, आपने जो जो पढ़ा समाजशास्त्र के बारे में, सोशियोलॉजी आपने क्यों सब्जेक्ट चूज किया, कई बार ये वाले भी टॉपिक्स पूछ लेते हैं एग्जामिनर जो होते हैं, अब आप आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो एग्जामिनर के मूड का हम कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या पूछेंगे, तो आप अपनी तरफ से अपनी प्रिपरेशन करके चलिएगा, अच्छे से अपना वाइवा दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके वाइवा के लिए, और बेटा कोशिश करिएगा कि वाइवा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वाइवा एक बार छूट जाता है फिर दोबारा वाइवा होता तो है, वो दोबारा से वाइवा की फीस लेते हैं, बट उसे होने में काफी टाइम जो है वो वेस्ट होता है और प्लस आपकी मनी भी वेस्ट होती है। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप लोग जो है जब वाइवा की डेट हो उसी दिन वाइवा अपना दे जाकर के एग्जाम सेंटर पे। तो बेस्ट ऑफ लक आपके वाइवा के लिए, और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।